हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुमित विवेक में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ है आप सबों के लिए। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट और सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम डेट का शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया ऑफिशियल वेबसाइट पर। और ये हम पूरा वीडियो देखेंगे। यहाँ पे आपका जो ट्विटर कैंपेन था दोस्तों, डिजिटल प्रोटेक्ट था, वो सक्सेसफुल हो गया, 100% सक्सेसफुल हो गया है। और देखिए कब एग्ज़ाम होगा, कब आपका रिजल्ट आएगा, वो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, आप हमारे साथ शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए ताकि जो भी नोटिस है पूरा हम पढ़ के आपको दिखा दें। और कहाँ से आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करना है नोटिस को, वो भी आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है आपको यहाँ पे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिकमेंड बोर्ड, सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस। देखिए ये सबसे बड़ा इशू था कि सी एन 1/2019 मतलब आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट कब जारी करेगा, क्योंकि एग्जाम का 6 महीना लगभग समाप्त, लगभग 1 साल होने जा रहा है। एग्जाम जब शुरू हुआ था 28 दिसंबर को एग्जाम शुरू हुआ था, 28 दिसंबर आ चुका है। तो आपसे यही था कि 1 साल होने जा रहा है, रिजल्ट नहीं जारी कर रहा है, डिजिटल प्रोटेस्ट भी हो रहा था, तो उसका एक सक्सेसफुल आपको यहाँ पर मिला है। तो यहाँ पर देखते हैं आपको सीबीटी 1 के रिलेटेड क्या नोटिस आया हुआ है। तो नोटिस ऑन सीबीटी 1 रिजल्ट एंड सीबीटी 2 शेड्यूल, दोनों के बारे में आपका, रिजल्ट के साथ साथ आपका एग्ज़ाम भी होगा, कब होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है कि द फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी 1 वाज हेल्ड इन 7 फेजेस फ्रॉम दिसंबर 28, 2020 टू जुलाई 31, 2021। द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी 1 इज करेंटली अंडर प्रोसेस। ठीक है, आपका जो रिजल्ट है वो प्रोसेस में, रिजल्ट आर टेंटेटिवली शेड्यूल्ड टू बी पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी बाय जनवरी 15, 2022। मतलब 15 जनवरी 2022 को आपका सीबीटी 1 को रिजल्ट आएगा, रिजल्ट प्रोसेस में है। 15 जनवरी बोला, हो सकता है इससे पहले भी आ सकता था, लेकिन आपको 15 जनवरी को 100% रिजल्ट आपका आ जाएगा 15 जनवरी 2022। मतलब अभी से आपको 1 महीना 10 दिन बचा हुआ है एग्जाम इसका, रिजल्ट का आप वेट कीजिए। इसके बाद सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी 2 एग्जाम फॉर द कैंडिडेट्स हु गेट शॉर्ट लिस्टेड इन सीबीटी 1, जिसका सीबीटी 1 में रिजल्ट होगा, जो उसका शेड्यूल होगा सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम होगा वो फरवरी में होगा। कब से कब होगा? 14 फरवरी से 18 फरवरी 2022 तक आपका एग्ज़ाम होगा। सब्जेक्ट टू द प्रिवेलिंग कैंडिडेट्स एंड गवर्नमेंट गाइडलाइंस इशूड फ्रॉम द टाइम टू टाइम व्यू हैंडलिंग ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक। मतलब आपको जो होगा इशू जो भी होगा वो कोविड के कारण यदि कुछ होगा तो वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन आपको शेड्यूल जारी कर दिया गया है किसका किसका, रिजल्ट सीबीटी 1 का रिजल्ट और सीबीटी 2 का जो आपका एग्ज़ाम है शेड्यूल। मिला जुला आपको 2 महीना 10 दिन बचा हुआ है एग्ज़ाम का। ठीक है, ध्यान रखिएगा 2 महीना 10 दिन बचा हुआ, आज 5 तारीख है, आपको आपको अगला फरवरी मतलब 14 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। रिजल्ट बचा हुआ है 1 महीना 9 दिन और आपका जो एग्ज़ाम है वो आपको 2 महीना 9 दिन बचा हुआ है। आप तैयारी में जुड़ जाइए। ठीक है, कैसे तैयारी करना है मैथ्स के, तो हम तो रेगुलर अपडेट कर ही रहे हैं, और बाकी बात आपको बोले थे जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन हम अपडेट करेंगे। आज नोटिस आ गया है, तो आज से आपका वीडियो एकदम बढ़िया से वीडियो आपको आते रहेगा, और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब पहले कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए जो भी एग्ज़ाम दिए हैं, ताकि वो भी मतलब अलर्ट हो जाए कि एग्ज़ाम जो होगा वो रिजल्ट के साथ साथ आपका एग्ज़ाम भी, आपको 1 महीना का टाइम दिया जाएगा, रिजल्ट के 1 महीना के बाद आपका क्या होगा एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास पहुंच सके। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है यहाँ पे। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रिफर ओनली फॉर टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द आरआरबी फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स ऑन द रिक्वायरमेंट प्रोसेस। प्लीज डू नॉट गेट मिसलेड बाय ऑथोराइज सोर्स। मतलब आप ऑफिशियल वेबसाइट को ही आप ऑथेंटिक मानेंगे, इसके अलावा यूट्यूब हो गया और भी वेबसाइट है, फेक वेबसाइट बहुत सारा है कि चलो डाल देता है व्यूज़ के लिए या वेबसाइट को चलने के लिए, तो आप उस पर ध्यान दे देना, ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे पहले आप कंफर्म हो जाइए। आप वहाँ पे कंफर्म नहीं तो आप एक ऑथेंटिक पर्सन जो आपके ऑथेंटिक पर्सन होगा उससे पूछिए, वो आपको लिंक देंगे, जो भी देंगे वो आपको सही बात बताएंगे। ठीक है, आपको इधर उधर पर ध्यान नहीं देना है कब क्या है नहीं है, ये ऑथेंटिक है। आप ऑफिशियल वेबसाइट एक व्हाट्सएप में या कहीं पे लिंक आप रख लीजिए, उसको बार बार खोल के देखिए, आपको वहाँ से आइडिया मिल जाएगा कब रिजल्ट क्या है, नोटिस है क्या नहीं है, सब कुछ वहाँ आपको मिलता रहेगा। तो इस प्रकार से मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।